तो क्रिस्टोफर नोलन द्वारा डायरेक्ट की गई ओपेनहाइमर मूवी जो है थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, जिस पर जो है भगवत गीता से जुड़े हुए और बहुत सारे जो है विवाद जो है सामने देखने को मिल रहे हैं। तो ओपेनहाइमर जो है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जिन्हें जो है फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है, जिन्होंने जो है परमाणु बॉम्ब के एटम को जो खोज किया था, उनके विषय में जो है उनके जीवन चरित्र को जो है ये फिल्म जो दिखाती है। क्रिस्टोफर नोलन जिनके लिए भारतीय फैंस कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे और वो उछल उछल के कह रहे थे कि ये तो जो है भारतीय रूप में जो है विदेश में छुपा हुआ जो है एक हिंदू है जो कि हमारा सपोर्ट करता, सनातन सपोर्ट करता है। लेकिन जहाँ भगवत गीता को इतने गंदे तरीके से दिखाया गया ओपेनहाइमर मूवी, सभी लोग बोले तो दोगला निकला। तो ये कोई नई बात नहीं कि वेस्टर्न कंट्री के लोग जो है ऐसे ही होते हैं। तो बात यह है कि इस फिल्म में जो है ओपेनहाइमर, इस फिल्म में जो है सिलेन मर्फी ने जो है ओपेनहाइमर का किरदार निभाया। इस फिल्म में जो है एटॉमिक बम रिसर्च को कम, जिसको द मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है, जो कि अमेरिकी सरकार द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके कारण इन्होंने जो है एटम बम की खोज की थी और एटम बम बनाया था। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में जो ये बम बनाया गया था, इस पर ये कम फोकस करती है और सबसे ज्यादा फोकस ये करती है किस तरह से जो है ओपेनहाइमर की जिंदगी आगे बढ़ती है, किस तरह से वो भगवत गीता पढ़ते हैं। वो तो केवल एक छोटा सा हिस्सा है जिस पर बहुत सारे आज चर्चा हो रही है। तो एक वो केवल एक छोटा सा हिस्सा है। तो हम पूरे इस मूवी में जो है रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जो है जीवन के बारे में जानते हैं कि वो कैसे होते हैं, वो एटम बम के बम बनाने के पहले कैसे थे, उसके बाद वो कैसे थे, उनके जो पूरे जीवनचर्या है, वो दिनचर्या है, उनके जीवन परिचय, उसके बारे में हमें जो है एक तरह से इसमें देखने को मिलता है। बायोपिक टाइप का आप इसको समझ सकते हैं। तो हिरोशिमा में और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया गया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था और इन्हें जो है फादर ऑफ एटॉमिक बम कहते हैं। तो इसको डायरेक्ट किया क्रिस्टोफर नोलन ने। क्रिस्टोफर नोलन वही है जो उन्होंने कई सारे डार्क नाइट ट्रिलॉजी और अभी टेनेट जैसे कई सारी मूवी उन्होंने बनाए, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा चर्चा में होते हैं कि वो VFX का यूज़ नहीं करते, वो ग्रीन स्क्रीन का बहुत कम यूज़ करते हैं, रियल एक्शन रखते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो बहुत सारे हमारे जो हिंदू भाई थे, जो सनातनी भाई थे, वो जो इसके लिए एक्साइटेड थे, क्यों? क्योंकि वो जो है हॉलीवुड में जो है कुछ लोगों को जो छुपा हुआ हिंदू मानते हैं, उनमें से क्रिस्टोफर नोलन है। लेकिन जब भगवत गीता के ये वाला सीन रखा गया हमारे ओपेनहाइमर मूवी में, तो क्या हुआ? सभी लोग नाराज हो गए, ये तो दल्ला निकला, तो धोखेबाज निकला। तो भाई ये आम बात है, हॉलीवुड से या फिर विदेशी आप लोगों से आप ऐसे उम्मीद कर ही नहीं सकते कि वो आपके सनातन को अच्छा ही हमेशा दिखाएंगे। तो क्योंकि द मैनहट्टन प्रोजेक्ट में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सरकार द्वारा ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है एटम बम का जो आविष्कार किया जाता है, जिसके जो हेड कौन होते हैं, इसके हेड होते हैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इसी बम को जो है सक्सेसफुल बनाने के बाद जो है हमारे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो है वो बहुत सारे चर्चाओं में आए थे। इसी बम को जो है हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था, जिससे जो है लाखों लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। और इस पर जो है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जो है रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, जो कि आप देख भी सकते हैं। उसमें जो बार बार वो कहते आ रहे हैं भगवद गीता का एक श्लोक कि नाउ आई बिकम दैट द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, जो कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं। तो क्या इसी विषय को लेते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं? तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के लाइफ स्टोरी पे ये मूवी बेस्ड है, जिसमें जो है परमाणु बम के जो परीक्षण उसको कम और रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जो लाइफ स्टोरी उसको ज़्यादा दिखाया जाता है, जिसमें उनकी एक प्रेमिका होती है जिनके साथ वो जो है कुछ क्रीड़ा में जो लीन होते हैं, और वहीं उनकी प्रेमिका जो है पूरा निर्वस्त्र होकर जो है भगवत गीता को उठाती है और अपने यहाँ पे रख लेती है, ठीक है, और वो बिल्कुल निर्वस्त्र होती है। तो इस प्रकार से जो पूछती है रॉबर्ट ओपेनहाइमर से कि ये क्या है, तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर कहते हैं कि ये जो है संस्कृत है और उसका एक श्लोक पढ़ के बताते हैं, जो कि वही है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे होते हैं कि देखो पार्थ, सामने जो दिख रहे हैं ये तुम्हारे जो है रिश्ते नाते नहीं है, ये जो है पाप करने वाले मनुष्य, अगर तुम इनकी हत्या भी नहीं करोगे, अगर तुम इनका वध भी नहीं करोगे, तो भी मेरे द्वारा इनका वध कर ही दिया जाएगा, अर्थात जो निश्चित है, अर्थात धर्म की स्थापना जो आवश्यक है वो हो के ही रहेगा, अगर तुम करो या ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ये जो बार बार ये बोल रहे हैं कि आई एम बिकम द डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड, इसके लिए वो यही कहना चाहते हैं शायद कि अगर मैं परमाणु बम का आविष्कार नहीं भी करता, अगर मैं हिरोशिमा नागासाकी में लाखों लोगों को नहीं भी मारता, तो भी उन्हें मरना ही था। शायद वो इसी परिप्रेक्ष्य में इस श्लोक को लेते हैं, इसीलिए वो बार बार अपने जो है भाषणों में, क्योंकि एटम बम बनाने के बाद बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, तो बार बार अपने जो है वक्तव्य में वो इस बात का प्रयोग करते हैं कि नाउ आई बिकम दैट द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। तो चलो आपने जो बोला, आपने जैसे दिखाया, लेकिन भगवत गीता का अपमान इस तरह से वल्गर सीन में करते हुए इन लोगों को शर्म तक नहीं आई, और हमारे जो सो कॉल्ड जो अपने आप को जो सेकुलर कहते हैं, वो क्या इसके लिए सवाल नहीं उठा सकते? क्यों उठाएंगे भाई? क्योंकि सनातन में बात आती है, सेकुलरिज्म जो है वो सब बाकी लोगों के लिए है, सनातन के लिए तो सब लोग जो है इसको सिर्फ अंधविश्वास के नज़र से ही देखते हैं, क्योंकि हम तो अनसाइंटिफिक है ना, सो कॉल्ड। तो
इसमें जो है भगवद गीता का इतना अपमानजनक तरीके से दिखाया गया, इसका जो है लोग विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि आप जो है श्रीमद् भगवद गीता को इस तरह से बिल्कुल नहीं दिखा सकते। ऐसे सीन में जहाँ एक युवती एक लड़की जो है निर्वस्त्र होकर भगवद गीता को अपने हृदय से लगाती है, अपने छाती से लगा के बात कर रही है क्या है, और ओपनहाइमर का जो कैरेक्टर वो बता रहा है, तो ये बिल्कुल घटिया तरीके से दिखाया गया है। और क्रिस्टोफर नोलन, जिनको आप सो कॉल्ड हिंदुइज्म कहते हैं, हॉलीवुड के छुपा हुए हिंदू कहते हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं थी किसी को। मैं बिल्कुल भी इस मूवी से प्रसन्न नहीं हूँ कि किस तरह से उन्होंने भगवद गीता को दिखाया है, और ऐसे आप नहीं दिखा सकते। किसी भी अन्य धर्म ग्रंथ को तुम्हारी औकात हो तुम दिखा के दिखाओ ना, कि किसी अन्य धर्म ग्रंथ को किसी अन्य रिलीजन के जो ऐसे धार्मिक ग्रंथ है उसको आप ऐसे करके दिखाओ, आपको काट के। तो इस प्रकार से जो क्रिस्टोफर नोलन द्वारा हमारे सनातन को प्रस्तुत किया जाता है, और कुछ लोग इससे खुश थे कि हमारी भगवद गीता को दिखा, मैंने भगवद गीता को दिखा, किस तरह से दिखा वो भी तो बताओ। और प्योरली जो है स्वार्थ की तरह जो है ओपेनहाइमर को द्वारा जो है भगवद गीता के श्लोक का प्रयोग किया गया था, ताकि सारा ब्लेम जो है भगवद गीता पे ही आ जाए कि श्री कृष्ण तो यही कह के गए हैं ना, ये सनातन ही हमें गलत परंपरा सिखाती है। लेकिन उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका एक एक वर्ड का मतलब सनातन धर्म में भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो कहे गए एक एक शब्द है उसका अनेक अनंत अनंत मतलब है, उसको आप एक शब्द में केवल बांध के नहीं रख सकते। तो ये था हमारा वीडियो कि किस तरह से भगवद गीता का अपमान जो है उसमें किया गया है, और किस श्लोक का उल्लेख जो है रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो है अपनी प्रेमिका के सामने जो है करते हैं, और किस प्रकार से जो है नाउ आई बिकम डेथ रजिस्ट्रार ऑफ वर्ल्ड्स, ये किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा जाता है, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, और इसका जो है प्रसिद्धि पाने के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर बार बार यूज करते हैं। तो आपके से क्या कहना है, कौन से जो बताएगा, क्या आपने ओपेनहाइमर मूवी देखा, आप अगर देख लिया इस सीन के बारे में आपका क्या कहना है, कौन से जो बताएगा। जय श्री राम।